नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की बाल हृदय सुरक्षा योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में बाल हृदय सुरक्षा योजना 15 जुलाई 2008 से संचालित की गई है और इस योजना को जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है और इस सभी राज्य सरकारें इस योजना को अपने राज्य में शुरू करी हैं। और योजना का उद्देश्य जो है गरीब बच्चों के हृदय रोग के इलाज करवाने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है बीपीएल श्रेणी के बच्चों को हृदय से संबंधित 7 प्रकार के रोगों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। और योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेज, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान एम्स हॉस्पिटल रायपुर सहित जो है राज्य के कुल 32 स्वास्थ्य संस्थान में इस स्वास्थ्य संस्थान को जो है इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी स्वास्थ्य संस्थान जो है छत्तीसगढ़ राज्य की रजिस्टर्ड होंगी वहां पर जो है इस योजना के तहत इलाज का लाभ उठाया जा सकता है। और मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के तहत जो है 15 वर्ष तक के बच्चों को ही इलाज की सुविधा प्राप्त होती है और केवल योजना के तहत रजिस्टर्ड स्वास्थ्य संस्थानों में रोग का इलाज करवाने पर इलाज के लिए कोई खर्चा नहीं देना होता है, निःशुल्क इलाज की सुविधा प्राप्त होती है। और जो भी रोगी यदि इलाज करवाते हैं तो उन्हें उनके इलाज का खर्च जो है राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत सीधे हॉस्पिटल के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, इस योजना के लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है और बच्चे के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हृदय रोग से पीड़ित होने पर ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, किसी अन्य बीमारी के लिए नहीं। और राज्य के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार के 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा। और इस योजना का के लिए यदि आप आवेदन करेंगे तो उसके साथ आवेदन पत्र के साथ पहचान प्रमाण पत्र के रूप में बच्चे का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी और राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी गरीबी रेखा बीपीएल श्रेणी में आने की प्रमाण के तौर पर, और निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने के प्रमाण के तौर पर, और राज्य के बाहर यदि रोग का इलाज करवाना है डॉक्टर द्वारा आप इलाज जहाँ इस हॉस्पिटल में करवा रहे हैं और रेफर किया गया है दूसरे राज्य में तो मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेज का रेफरल प्रमाण पत्र होना चाहिए, डॉक्टर द्वारा जो रेफर किया गया उसका सर्टिफिकेट आपको आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा। और जिस अस्पताल में इलाज करवाना है वहाँ पर इलाज कराने वाले खर्च का आपको पूरा जो है खर्च का एस्टिमेट है उसका आपको मूल प्रमाण पत्र लगाना होगा। और रोगी द्वारा अब तक करवाए गए इलाज एवं जांच के सभी रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी और जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी 2-2 फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ लगाना आवश्यक है। और इस योजना के तहत जो है 7 प्रकार के बीमारियों का जो इलाज करवाया जा सकता है उसके अंतर्गत पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस और पल्मोनरी स्टोनेसिस और आरएचडी विथ वॉल्वर डिजीज और टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये इन बीमारियों के यदि आप रोगी ग्रस्त है तो बच्चे के लिए इस योजना के तहत आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस योजना के तहत जो है अस्पताल छत्तीसगढ़ राज्य के एस्कॉर्ट हेयर हार्ट केयर रायपुर, रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर,
और अपोलो बीएसआर अस्पताल भिलाई और अपोलो अस्पताल बिलासपुर, एम्स स्वास्थ्य संस्थान रायपुर और श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नया रायपुर के अतिरिक्त जो है जितने भी हॉस्पिटल के लिस्ट हैं और भी हॉस्पिटल के हैं, 32 हॉस्पिटल इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, तो उनकी लिस्ट आप जो है छत्तीसगढ़ राज्य के नवजीवन पोर्टल पर देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो है बाल हृदय सुरक्षा योजना के तहत हृदय की समान सर्जरी के लिए 1,30,000 रुपये की मदद प्राप्त होती है योजना के तहत, और यदि जटिल सर्जरी है तो उसके लिए 1,50,000 रुपये की मदद प्राप्त होती है, और यदि जो है वॉल्व रिप्लेसमेंट कराना है हार्ट का तो उसके लिए 1,80,000 रुपये प्राप्त होती है मदद के रूप में। और इसके अतिरिक्त जो है कुल 7 प्रकार के दिल से संबंधित रोगों के इलाज के लिए निःशुल्क मदद प्रदान की जाती है। और दोस्तों इस योजना में आवेदन के लिए आपको जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आवेदन पत्र भरने के बाद जो है सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 प्रतियां आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी, और इसके बाद अपने जिला के स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन के पास जाकर के, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन के पास जाकर जमा करना होगा। और योजना का आवेदन फॉर्म जो है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आपको जो है इस योजना से संबंधित कोई समस्या है इलाज में आती है तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए भी जो है आपको आधिकारिक वेबसाइट जो है वहाँ पर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है। और संपर्क यदि समस्या आती है, संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एड्रेस दिया हुआ है, संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं, पुराना नर्सेस छात्रावास प्रथम तल और DKS परिसर छत्तीसगढ़ रायपुर, और टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर भी दिया गया है। तो आप इस नंबर पर जो है संपर्क करके योजना से सब आपको यदि इलाज से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है या कोई समस्या आ रही है तो आप यहाँ से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इस योजना की जो है आधिकारिक वेबसाइट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये आवेदन फॉर्म यहाँ इस लिंक पर करके ये आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना होगा, और प्रिंट आउट निकाल करके उसको भर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म के जो ये दिए हुए है इस पेज पर, इसमें आप PDF फाइल के अंदर जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं उसकी भी जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो इस योजना से संबंधित जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं आवेदन करने के लिए उसकी ये चेकलिस्ट दी हुई है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी PDF फाइल को डाउनलोड करने की लिंक जो है ये हमारी CK.com योजना के इस पोस्ट के नीचे दी हुई है, वहाँ से आप जो है लिंक प्राप्त करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा ये मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना नवजीवन छत्तीसगढ़ navjeevan.nic.in इस पोर्टल पर आकर के यहाँ से इस योजना से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बीमारियों की सूची यहाँ से देख सकते हैं, अस्पताल कौन कौन से रजिस्टर्ड हैं ये देख सकते हैं, और यहाँ से संपर्क यदि आपको करना है योजना संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस और फोन नंबर दिया हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये आवेदन पत्र खुल जाएगा और यहाँ से आप जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे, इसमें जितने भी पेज दिए हुए हैं वो आपको
वो सारे डाउनलोड करके भर के जमा करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल sikhe.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ राज्य के जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं उनमें यदि किसी बच्चे को हृदय से संबंधित परेशानी है तो इस योजना में आवेदन करने की जानकारी प्राप्त कर सकें।